आसनसोल नगर निगम के रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस अंतर्गत पड़ने वाले 11 वार्डों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि विरोधी दल के नेताओं ने कई इलाकों में गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया, परंतु सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने वोट को पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया। सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक के ऊपर हुए हमले के प्रतिवाद में शनिवार की शाम सीपीएम के कर्मी समर्थकों ने प्रतिवाद जुलूस निकाला। पूर्व सांसद एवं सीटू के जिला सचिव बंशो गोपाल चौधरी ने पुनर्मतदान की मांग की। शनिवार को छिटपुट घटनाओं एवं आरोप प्रत्यारोप के बीच आसनसोल नगर निगम के रानीगंज 2 नंबर बोरो ऑफिस के अंतर्गत 11 वार्डों में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दिन सुबह से ही रानीगंज के कुल 11 वार्डों से छिटपुट घटनाओं की सूचना मिल रही थी, परंतु पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रण किया गया। रानीगंज में बीजेपी एवं सीपीएम की तरफ से तृणमूल कांग्रेस पर बूथ एजेंटों को हटाए जाने का आरोप लगाया है। 34 नंबर वार्ड के रामबगान बाईपास स्थित बूथों पर तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम एवं बीजेपी ने एक दूसरे पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। शनिवार की शाम रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित सीपीएम पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआईएम के जिला सचिव कोरांगो चैटर्जी, सीटू के जिला सचिव बंस गोपाल चौधरी एवं दुर्गापुर के वरिष्ठ सीपीएम नेता पंकज राय सरकार उपस्थित थे। पूर्व सांसद एवं सीटू के जिला सचिव बंस गोपाल चौधरी ने सीपीएम प्रत्याशी संजय प्रमाणिक के ऊपर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों के 38 वार्डों में पुनः मतदान की मांग की है। इन 38 वार्डों में पुनर्मतदान की मांग किए गए बूथों की संख्या 281 है। संजय प्रमाणिक के ऊपर हुए हमले के प्रतिवाद में शनिवार की शाम सीपीएम के कर्मी एवं समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रतिवाद जुलूस निकाला। निर्वाचन हुए अनेक वायलेंस हुए दूजन प्रार्थी और एक जन आसनसोल तीन जन प्रार्थी ऊपर आक्रमण हुए तार मध्य रानीगंज प्रार्थी संजय प्रमाणिक आहत हुए हासपाताले भर्ती आछे। एर बाइरे हुए जे प्रियंका दास ताके हुए आघात करा हुए 13 नम्बर वार्डे আসানসোলে। আরও একজন আমাদের মহিলা প্রার্থী মিনা কর্মকার বার্নপুরে, তাকে বিভিন্নভাবে বুথের মধ্যে হেনস্থা করা হয়েছে, তার কাপড় ধরে টানাটানি করা হয়েছে এবং কোনো জায়গাতে পুলিশ হচ্ছে কোনো ভূমিকা নেয়নি। বাইরের থেকে সশস্ত্র লোকদের গতকাল থেকে পুরো আসানসোল, বার্নপুর, রানীগঞ্জ, জামুরিয়াতে ঢোকানো হয়েছে এবং এইসব সশস্ত্র লোকরা গতকাল থেকে বিভিন্ন জায়গার এলাকার দখল নিয়ে আজকে বিভিন্ন বুথ হচ্ছে যে তারা দখল করে। আমরা যে বুথে পুনর্নির্বাচন চেয়েছি সেই বুথগুলোতে সকালবেলার পর থেকেই সব জায়গায় দখল করে পুরোদস্তুর ভোট হচ্ছে যে তারা করে নিচ্ছে। আমরা সেই জন্য পুনর্নির্বাচন ওই বুথগুলোতে আমরা চেয়েছি। वही दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं 37 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी रूपेश यादव ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। रानीगंज में इतना शांतिपूर्ण मतदान इससे पहले कभी नहीं हुआ था। रूपेश यादव ने छिटपुट गड़बड़ी के लिए बीजेपी एवं सीपीएम को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले रानीगंज में इतना शांतिपूर्ण तरीके से वोट कभी नहीं हुआ। बीजेपी सीपीएम जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। बीजेपी संतरास पसंद लोग हैं इसीलिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। रानीगंज में शांति से वोट होना उनको पसंद नहीं आ रहा। इस तरीके का वोट रानीगंज इतना शांतिपूर्ण इससे पहले कभी नहीं हुआ। रानीगंज से संजय भंडारी।